खासदार साहब क्या आज तक यहाँ पे कभी विजिट हुई क्या? अभी तक तो हमने खासदार साहब को यहाँ पे नहीं देखे, अभी तक हमने जो है तो हर दूसरे वार्ड में देखे, और अभी तक मुसलमानों के वोट जो है तो खासदार साहब जो है अपने जेब में समझते हैं, पर ये बारी को जो है खासदार साहब ने समझ जाने चाहिए कि ये बार जो है तो हम जो ये वार्ड में काम करेंगे हम उसको वोट देंगे। और हमने जब भी वोटिंग किए है तो खासदार साहब को ही चुन के लाए हैं, और हमारे खासदार साहब इससे पहले आमदार भी बने थे, तो हमारे खुद के पैसे से खर्चा करके हमने रिक्शे करके आमदार साहब को वोटिंग करने के लिए गए थे। आज हम मौजूद हैं MCN समाचार की तरफ से अंसार कॉलोनी के अंदर, और यहाँ की आम जनता हमारे साथ है। आइए यहाँ की आम जनता से बात करते हैं, इस वार्ड के क्या मसले मसाइल है। सर आपका पूरा तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ खान है, मैं ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट हूँ, और प्लस जो तो अंसार कॉलोनी का रहवासी हूँ। और यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं, रोड की बोलो, नल की बोलो, साथ में ड्रेनेज लाइन की बोलो, ये सारे मसले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कचरे गाड़ी भी नहीं आती है। हालांकि ये वार्ड जो है महानगर पालिका के हद में है, और हमने जब भी वोटिंग किए है तो खासदार साहब को ही चुन के लाए है, और हमारे खासदार साहब इससे पहले आमदार भी बने थे, तो हमारे खुद के पैसे से खर्चा करके हमने रिक्शे करके आमदार साहब को वोटिंग करने के लिए गए थे। और खासदार साहब का मानना ये है क्या, वो ये महल्ले को ना देते हुए बुद्ध वेनी को 2-2 करोड़ रुपए निधि दे रहे हैं, तो ये महल्ले से क्या प्रॉब्लम है उनको? क्या हमने ये इसके लिए उनको वोट दिए थे क्या? क्या यही तकलीफ के हमने गुजरने के लिए उनको वोट दिए थे क्या? सर आपने अभी इस तालुक से कितनी बार निवेदन दिया महानगर पालिका में? इस तालुक से हमने तकरीबन 15 से 20 बार निवेदन दिए महानगर प्रशासन को, मगर उनके कान पे कोई जू रेंगती नहीं है। वो हर बार वो आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, पर अभी तक कुछ करते नहीं। तकरीबन 10 साल से हम कंटिन्यू यही परेशानी से गुजर रहे हैं। यहाँ ड्रेनेज लाइन का इतना प्रॉब्लम है कि आए दिन यहाँ पर पानी गलियों में बहता है, झगड़े होते हैं, मसले होते हैं, और साथ में यहाँ पर जब बारिश का मौसम होता है तो 2-व्हीलर ले जाना मुश्किल होती है, तो हमारे रोड की भी काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर। कितने साल से रोड नहीं बना? रोड तकरीबन यहाँ पर 10-15 साल से तो रोड बना ही नहीं है, जब से हम यहाँ रहने को आए जब से रोड काफ़ी बना ही नहीं है। सर अभी अमूमन इलेक्शन सर पे आ चुका है, खासदार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप अभी इस इलेक्शन के अंदर मतदान करेंगे क्या? हाँ इंशाल्लाह मतदान तो ज़रूर करेंगे, मगर मतदान हम उसको करेंगे जो हमारे वोट का काम करेगा। बाकी हमें को किसी से कुछ लेना नहीं है, ना पार्टी से कुछ लेना है, ना कोई पक्ष से लेना है, मगर हमारा जो वोट का हमारा जो रोड का काम करेगा, ड्रेनेज लाइन काम करेगा, लाइट का काम करेगा, जो कचरा गाड़ी यहाँ पर भेजेगा हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पक्ष का रहो, कोई भी पार्टी का रहो। मेरा नाम शेख शेरू है। सर ये क्या मसला है आपके वार्ड का? अभी जो है यहाँ पे जो है तो आप देख रहे हैं सामने जो है तो पूरा ड्रेनेज लाइन बह रहा है, और बाकी जो है तो थोड़ा सा लाइट भी नहीं है यहाँ पे, और रोड का भी काम नहीं है यहाँ पे। खासदार साहब क्या आज तक यहाँ पे कभी विजिट हुई क्या? अभी तक तो हमने खासदार साहब को यहाँ पे नहीं देखे, अभी तक हमने जो है तो हर दूसरे वार्ड में देखे, और अभी तक मुसलमानों के वोट जो है तो खासदार साहब जो है अपने जेब में समझते हैं, पर ये बारी को जो है खासदार साहब ने समझ जाने चाहिए कि ये बार जो है तो हम जो ये वार्ड में काम करेंगे हम उसको वोट देंगे। इस तालुक से आपने कितनी बार महानगर पालिका में निवेदन दिया सर? अभी 10 साल से तो रेगुलर हम निवेदन देते ही आ रहे प्रशासन को। आपकी मांग क्या है अभी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से? क्या भाई हमारे को ये ड्रेनेज लाइन का बहुत तकलीफ है, और रोड भी नहीं है, और पानी की बहुत तकलीफ है हमको। पहले सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का। रोड जो है अभी जो स्मार्ट सिटी ने रोड बनाई वहाँ पे ब्रेकर नहीं है, जो गाड़ा कचरे के जो गाड़ा जाते इतने फास्ट जाते वो क्या देखते भी नहीं कि गली में से कोई बच्चा आने वाला है कि गाड़ी आने, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, और 6-7 बकरे का भी एक्सीडेंट हो गया। ये आपके गली का तो ये देख लो, ये तुम लोकेशन क्या, पूरा ड्रेनेज लाइन है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ 2 ही गली में। खासदार साहब ने करे थे काम मस्जिद के पास, बगैर विदाउट काम करे कि उन्होंने पार्टी गाड़ के चल गए और आधा रोड बना के चल गए। खासदार साहब ने काम करे क्या उन्होंने? अधूरा काम करे, मस्जिद के पास का काम करे बस उन्होंने, अधूरा रोड बना के गए। मसले ये है यहाँ ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है, ये तकरीबन जब से बस्ती बनी जब से है, खासदार साहब ने 1-2 गली का करे काम, बीच में अधूरा काम करके गए कि ये मस्जिद की गली है यहाँ नमाज के, उसके बाकी लोग तो जो नमाज को जाते तो उनको ये गली से ये ड्रेनेज लाइन में से गुजर के जाना है ना, ये पूरा पानी उनके आंग पे आता, कचरे का मसला है, लाइट का मसला है, एक मसला नहीं है ना यहाँ पे, मसले बोलेंगे कितने। खासदार साहब ने जो अधूरा काम किए हैं, हाँ, आपने कभी उनको जाके बोले कि आप पूरा काम कंप्लीट करिए? कई टाइम बोले ना, बच्चे गए सब महल्ले वाले गए, कई टाइम गए ना उनके पास में, क्या बोले? कर देंगे बस, हो जाएगा, कर देंगे, आश्वासन बस, आश्वासन के सिवा काम ही नहीं हुआ अभी तक। साहब हमारे पास तो मसले बहुत है अभी, हमारे मसले गिनाने के क्या है, पहले तो मसला रोड का है,
रोड हमारे पास रोड नहीं है। और सबसे मेन मसला आप ये देख रहे सामने की पूरी नदी बह रही है ड्रेनेज की, बच्चे हमारे दोनों तीनों बच्चे सब पूरे बीमार हो गए यहाँ पर, इतना मसला है यहाँ पर, बस पूछो मत साहब। और यहाँ कोई आने को भी तैयार नहीं, ना खासदार आ रहा ना एमएलए आ रहा, कोई भी नहीं आने को तैयार है यहाँ पर। अभी उधर से कोई दो तीन गलियों का ड्रेनेज का काम करे, अभी सिरसार साहब ने अभी उधर काम करके दो गलियों का, अब हमारे भी ये महल्ला हमारे चना साहब, ये हमारे महल्ले में तो होना ना हमारे को, ये हमारे को भी जब वो उधर सहूलत हुई तो हमारे को भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं वहाँ उतने ये दो गली नहीं ना वार्ड की तो पूरी गलियाँ हैं यहाँ से वहाँ तक। तो हमारे प्रशासन से ये है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके जल्दी से जल्द हमारा ड्रेनेज का काम कर दिया तो मेहरबानी होगी। और अभी रमज़ान भी आने वाले है, रमज़ान भी शुरू हो रहे, उसमें भी ये गंदगी में जाना आना बहुत मुनासिब अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। तो आज आपने देखा हमने यहाँ पे अंसार कॉलोनी की तमाम आम जनता से बात की है, और यहाँ की आम जनता का ये आरोप है कि प्रशासन ने यहाँ पर इस वार्ड को तकरीबन 15 साल से लावारिस हालत में छोड़ दिया है, ना ही यहाँ पे रोड्स है, ना ही यहाँ पे चैम्बर लाइन है, और ना ही यहाँ पीने की लाइन है, और ना ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स है। यहाँ की आम जनता की इतनी मांग है जल्द से जल्द म्यूनसिपल कमिश्नर से जल्द इन्हें इस मूलभूत सुविधाओं से उपलब्ध कराया जाए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।